वेलकम टू DTWS यानी देसी तड़का विद श्वेता। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं दाल मखनी, जिसके लिए लगने वाली है हमें साबुत उड़द की दाल और ये थोड़ा सा राजमा, अदरक लहसुन की पेस्ट, टमाटर और प्याज, बेसिक मसाले हमारे और ये क्रीम। तो चलिए फिर दाल को धो के हम 6 घंटे के लिए भिगो देते हैं, फिर उसको उबलने रखेंगे। ये हम मिक्स कर देते हैं। दाल हमारी उबल चुकी है, हमने टमाटर और प्याज को पीस लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, हांडी में बनाएंगे हम। इस पे मैं डालती हूँ थोड़ा सा ऑयल। ये लगभग 1 करछी के आसपास हमने ऑयल डाला है। मैंने दाल उबालते समय दाल के अंदर खड़े मसाले डाल दिए थे, जैसे दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। अब तेल गरम होता है तो हम इंतजार कर रहे हैं उसका। ये तेल हमारा गरम हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा क्रैकल हो जाए तो उसके बाद आप डालें इसमें प्याज। आप चाहें तो बारीक बारीक काट सकते हैं, मेरे को पीस के पसंद है इसलिए मैंने पीस के डाली है। प्याज को हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। देख सकते हैं आप, अदरक प्याज का पेस्ट हमारा पिस चुका है। अब टाइम है इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालने का। हमने ये इस समय इसलिए डाली है जिससे लहसुन का और अदरक का टेस्ट और खुशबू इसके अंदर बनी रहे। ये हमने 2 लाल साबुत मिर्चें ली हैं, ये हम इसमें डाल देंगे और साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, ये आधा चम्मच देगी मिर्च, और हम मसालों को प्याज के साथ भूनेंगे। अब मसाले इसमें भुन चुके हैं, अब इसमें टाइम है टमाटर की प्यूरी डालने का। टमाटर की प्यूरी डाल के हम इसे भूनेंगे। मसाले को हम तेल छोड़ने तक अच्छे से भूनेंगे। आप देख सकते हैं मसाले ने अब ऑयल अपना छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यही टाइम है अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालने का। यह है कसूरी मेथी, ये देख सकते हैं आप। इसको हल्का सा क्रश करके अपने हाथ से रब करके इसके अंदर डालना है। ये दाल के फ्लेवर को बढ़ा देगा। ये मसाला अब हमारा भून चुका है अच्छे से, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें दाल डालेंगे। ये दाल हमने डाल दी है। अब हम इसको एक उबाला तेज आंच पे और फिर धीमी आंच पे
5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर हम क्रीम डालेंगे इसमें। ये देखिए हमारी दाल में उबाल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को स्लो करेंगे क्योंकि हमें क्रीम डालनी है और मक्खन डालना है। ये हमने क्रीम डाल दी है इसमें। अगर आपके घर में सफेद मक्खन अवेलेबल है तो आप सफेद मक्खन का यूज करें, और अगर नहीं है तो आप येलो जो अमूल बटर मिलता है हमारा वो यूज कर सकते हैं। बस इसके साथ एक चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान देनी होगी, क्योंकि अमूल बटर में नमक होता है, तो अपनी दाल के अंदर कृपया नमक कम रखें, नहीं तो तेज होगा, फिर आप बोलेंगे श्वेता ने बताया नहीं था। चलिए अब दाल को ढक देते हैं और इसको धीमी आंच पे पकने देते हैं। देखते हैं दाल किस कंडीशन में आ गई। ये देखिए दाल गाढ़ी भी हो चुकी है, अपनी रंगत ले चुकी है। तो चलिए फिर गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। खिदमत आपके लिए दाल मखनी। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन आल्सो, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप चैनल पर आते हैं और चैनल पे वीडियो देखते हैं सिर्फ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगेगा नई नई वीडियो जब आपको देखने को मिलेंगी। तो तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।